न्यायियों की पुस्तक अध्याय 14, न्यायियों की पुस्तक अध्याय 14। शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक पलिश्ती स्त्री को देखा है, सो अब तुम उससे मेरा ब्याह करा दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में व हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन पलिश्तियों में से स्त्री ब्याहने चाहता है? शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा ब्याह करा दे, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। उसके माता पिता न जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से होती है कि वह पलिश्तियों के विरुद्ध दाव ढूंढता है। उस समय तो पलिश्ती इसराइल पर प्रभुता करते थे। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता व माता को न बतलाया। तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की और वह शिमशोन को अच्छी लगी। कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला और उस सिंह की लोथ देखने के लिए मार्ग में मुड़ गया तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। तब उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता के और पिता के पास वो गया और उनको यह बिना बताए कि मैंने इसको सिंह की लोथ में से निकाला है कुछ दिया और उन्होंने भी उसे खाया। तब उसका पिता उस स्त्री के यहां गया और शिमशोन ने जवानों की रीति के अनुसार वहां जेवनार की। उसको देखकर वे उसके संग रहने के लिए 30 संगियों को ले आए। शिमशोन ने उनसे कहा, मैं तुम में से एक पहेली कहता हूं, यदि तुम इस जेवनार के 7 दिनों के भीतर उसे बूझकर अर्थ बता दो तो मैं तुमको 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा, और यदि तुम उसे न बता सको तो तुमको मुझे 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े देने पड़ेंगे। और उन्होंने उससे कहा, अपनी पहेली कह कि हम उसे सुने। उसने उनसे कहा, खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। इस पहेली का अर्थ वे 3 दिन के भीतर न बता सके। 7वें दिन उन्होंने शिमशोन की पत्नी से कहा, अपने पति को फुसला कि वह हमें पहेली का अर्थ बताए, नहीं तो हम तुझे तेरे पिता के घर समेत आग में जलाएंगे। क्या तुम लोगों ने हमारा धन लेने के लिए हमारा नेवता किया है? क्या यही बात नहीं है? तब शिमशोन की पत्नी यह कहकर उसके सामने रोने लगी कि तू तो मुझसे प्रेम नहीं बैर ही रखता है कि तूने एक पहेली मेरी जाति के लोगों से तो कही है परंतु मुझको उसका अर्थ भी नहीं बताया। उसने कहा, मैंने उसे अपनी माता व पिता को भी नहीं बताया, फिर क्या मैं तुझको बता दूं? और जेवनार के 7 दिनों में वह स्त्री उसके सामने रोती रही और 7वें दिन जब उसने उसको बहुत तंग किया तब उसने उसको पहेली का अर्थ बता दिया। तब उसने उसे अपने जाति के लोगों को बता दिया। तब 7वें दिन सूर्य डूबने न पाया कि उस नगर के मनुष्यों ने शिमशोन से कहा, मधु से अधिक क्या मीठा और सिंह से अधिक क्या बलवंत है? उसने उनसे कहा, यदि तुम मेरी कलोर को हल में न जोतते तो मेरी पहेली को कभी न बूझते। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अश्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला और उनका धन लूटकर 30 जोड़े कपड़ों को पहेली के बताने वालों को दे दिए। तब उसका क्रोध भड़का और वह अपने पिता के घर गया और शिमशोन की पत्नी उसके एक संगी को जिससे उसने मित्र का सा बर्ताव किया था ब्याह दी गई।